नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे, न्यूज 18 इंडिया पर श्रीराम महापर्व की अखंड कवरेज जारी है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले आपको ये बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में मंदिर में सफाई अभियान चलाया है। वो हनुमान मंदिर में श्रमदान करते हुए मंदिर की साफ सफाई करते हुए दिखाई दिए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में साफ सफाई की और इसके बाद पूजा अर्चना भी उन्होंने की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी देश के सभी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है और उसी सिलसिले में ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट और कंफ्यूज पार्टी। उन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, इसका जिक्र भी किया गया। आज आप यहाँ पर आए हैं, स्वच्छता अभियान में आपने शिरकत की, सर कैसे देखते हैं? सर, मेरा सौभाग्य है और हर भारतीय को यह सौभाग्य प्राप्त है कि अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर स्वच्छता अभियान को बल दे, क्योंकि ये जो अनुष्ठान हम सब ने लिया है मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को साफ करने के लिए, वो हम आगे भी करते रहेंगे। 22 तारीख तक तो हम इसको जारी रखेंगे ही। प्राण प्रतिष्ठा का शानदार कार्यक्रम भी होगा, राम भक्तों का लंबा इंतजार वो खत्म भी हो गया है और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो। सर, जो आम आदमी पार्टी है वो सुंदर कांड पाठ करने की बात अब कर रही है, वो सिर्फ मीडिया में रहने के लिए ये कर रही है, क्या कि ईडी के समन जो जारी हुए हैं उस पे ना जाएं, ध्यान भटकाया जाए, यही काम वो कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 10 साल से दिल्ली में सरकार में हैं लेकिन मंदिरों से दूरी बनाए रखे हुए हैं और दूसरों को हर महीने पैसा डालते हैं, ऐसा क्यों? श्रीमान अरविंद केजरीवाल क्या इसका जवाब देंगे? 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय है, आनंद देने वाला विषय, और दूसरा क्या होता है। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं सरयू घाट पे मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर गुरुकुल के संस्कृत के छात्र स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं जो भगवान राम के आने की तैयारी में लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। सीधे हम बच्चों से ही यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा दूं। सुबह ठंड का समय है, कोहरा अभी भी ठीक से छटा नहीं है, धूप निकली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो स्टूडेंट हैं वो अपने आचार्य नीरज ओझा के साथ वो सरयू घाट पर आकर तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोग भगवान राम की स्वागत करेंगे, कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग वैदिक मंत्रों से स्वागत करेंगे, श्री राम प्रभु का गाने से, भजन से और दीप जला के स्वागत करेंगे। जरा जरा मंत्रोच्चार करिए आप लोग। हरे आपया धवा मगन्या इंदराया भगम राजावती हरि ओम। अच्छा, इसके अलावा आप लोग राम भजन भी यहाँ पर कुछ गुनगुना रहे थे, वो क्या था जरा बताइए आप जी। नगरी हो अयोध्या से राघवपुर सघराना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, हो श्राग भारत जय सीता सी नारी हो। लावा
तो अयोध्या की हर रंग हर छटा हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। हर कोई अपने आराध्य को इस वक्त पूज रहा है, पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। उसी तस्वीर को न्यूज 18 इंडिया आप तक दिखा रहा है और मेरी सहयोगी मोनिका इस वक्त आपको दिखाई दे रही है और मोनिका के पास कोई बड़ी खबर है। मोनिका, क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, जिन महानुष्ठानों का इंतजार देश के हर तमाम राम भक्त कर रहे थे, वही अनुष्ठान यानी कि महानुष्ठानों की आज से शुरुआत होगी है। और मिनट टू मिनट यानी कि आज से लेकर 22 जनवरी तक क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ये हम दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, आज 16 तारीख है, महानुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से लगातार आपको हम जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए, आज 1:15 बजे के बीच आपको बता दें जिस तरीके से प्रायश्चित पूजा हो चुकी है, कर्मकोटी पूजन आज होना है। इसके अलावा देखिए कल क्या होना है, कल 17 तारीख है और कल 17 तारीख के बीच आपको बता दें 1:30 बजे से 1:20 बजे पर और 1:28 बजे तक आपको बता दें जल यात्रा निकाली जाएगी, तीर्थ पूजन उसके बाद होगा, जल यात्रा निकालने के बाद कलश पूजन भी होगा और एक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा के साथ आपको बता दें कि राम लल्ला के मूर्ति का प्रसाद परिसर में इस कलश यात्रा के साथ भ्रमण किया जाएगा। ये आज नहीं, ये कल होगा, यानी कि 17 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी, राम लल्ला के मूर्ति का प्रसाद परिसर में इस कलश यात्रा के साथ भ्रमण किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें 18 तारीख को क्या रहने वाला है, 18 तारीख को भी दोपहर एक से एक बजे से 20 मिनट तक आपको बताए संकल्प लिया जाएगा। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले संकल्प लेते हैं, लेकिन 22 जनवरी का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और जैसे कल चंपत राय जी ने जानकारी भी दी थी कि किस तरीके से 22 जनवरी को 12:20 पर वो प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद लगातार जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको ये भी बताते देखिए समय दिया गया है 12:29 पर। आप देखिए प्राण प्रतिष्ठा का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, ये 22 तारीख का हम आपको स्केड्यूल बता रहे हैं। समय आपको ये बता दें, प्रतिष्ठा का समय 12:29 22 तारीख और समय ये बताया गया है 12:29 पर। ये वो घड़ी होगी, वो क्षण होगा जब राम लल्ला नव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, वही बाल स्वरूप जिसको देखने के लिए हर देशवासी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बाल स्वरूप में कमल में आपको राम लल्ला नजर आएंगे, 51 इंच की उनकी मूर्ति है, बाल स्वरूप उनका होगा और श्यामला रंग जो है उस मूर्ति को दिया गया है, लेकिन 12:29 पर उन्हें विराजमान किया जाएगा। और देखिए जिस तरीके की पूजा विधि रहने वाली है, आंखों में उनकी पट्टी होगी, काजल लगाया जाएगा, उन्हें शीशा दिखाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सभी कार्य करेंगे क्योंकि वो भी 11 दिनों का अनुष्ठान रख रहे हैं। और उन्हीं 11 दिनों के अनुष्ठान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या क्या मंत्रोच्चारण होने वाले हैं, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, उसका भी पालन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर ही रहे हैं। और आपको बता दें ये वो 22 तारीख जिसका जिक्र पहले ही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये तारीख और दिन बता दिया गया था, वही उसी समय अनुसार जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि समय है 12:29 पर। 22 तारीख वो तारीख है जिसका हर देशवासी इंतजार कर रहा है, कई विशिष्ट मेहमान इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 5 खास मेहमान उस मंदिर परिसर में उस गर्भगृह में होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम लल्ला के आंखों में जो पट्टी बंधी होगी उसे वो खोलेंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही यही है कि क्योंकि वो सिर्फ एक मूर्ति है, आप मूरत भर को देखने नहीं जाएंगे, आपको राम लल्ला को स्मरण भी करना होगा, यानी कि जीवंत करना होगा उस मूर्ति को। और यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है और आप और हम सब 23 तारीख से राम लल्ला के दर्शन कर पाए, इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज से महानुष्ठानों का ही शुरुआत तो हो ही चुकी है। और ऐसे में इसी क्रम में 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख के क्रम को हम लगातार आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पूजा विधि जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अब से सिर्फ 6 दिन के बाद आप उस पल के गवाह होंगे
और न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार वो खंड कवरेज के जरिए वो तस्वीरें भी दिखा रहा है कि किस तरीके से राम भक्त देश के कोने कोने में कहा। तो सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को आपने बताई है, वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो रहने वाला है आज से लेकर के 22 तारीख तक का, वो मोनिका ने अभी आपको बताया। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको बताया कि कैसे 22 तारीख को 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की जानी है रामलला की। और देखिए वैसे भी कहते हैं कि भगवान राम का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था और कृष्ण लला का जन्म हुआ था रात के 12 बजे, तो वही मुहूर्त भी निकाला गया है अभिजीत मुहूर्त। और 12:29 पर कैसे सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और वो सारी जानकारी न्यूज 18 की मोनिका ने आपको अयोध्या से दी है। और देखिए आज प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत पूजा की शुरुआत भी हो चुकी है, अहम खबर, विधिवत पूजा की शुरुआत आज अयोध्या में हो चुकी है और इसी सिलसिले में आज प्रायश्चित पूजा होगी जो कि दोपहर 1 बजे शुरू होनी है, मतलब अब से 1.5 घंटे के बाद पूजा प्रारंभ हो जाएगी। 121 ब्राह्मण इसमें शामिल रहेंगे, 2 घंटे तक ये पूजा चलेगी जिसके बाद विष्णु पूजा की जाएगी। तो बड़ी खबर, विधिवत शुरुआत पूजा की और तमाम जो अनुष्ठान है उसकी अब हो चुकी है, 1 बजे से इसकी जो विधिवत शुरुआत है वो भी हो जाएगी। तमाम ब्राह्मण वहां पर मौजूद है इस वक्त, आपको हम बताएं दोपहर 1 बजे से पूजा शुरू होनी है, 2 घंटे तक ये पूजा चलेगी और 121 ब्राह्मण है जो इस पूजा में सम्मिलित रहने वाले, जो इस पूजा को कराने वाले हैं। प्रायश्चित पूजा ये जिसमें तन मन और साथ ही मस्तिष्क तीनों की शुद्धि की जाती है और प्रभु से माफी मांगी जाती है कि जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती हमसे हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इसी के साथ न सिर्फ तन की मन की बल्कि मस्तिष्क की शुद्धि भी इस प्रायश्चित पूजा से हो जाती है।